आचार्य प्रदीप मेहता का नमस्कार। दोस्तों, ब्रह्मांड में कई अघटित घटनाएं घटित होती है जिनका असर मानव जीवन पर पड़ता है। ऐसे ही बड़ी दुर्घटना सालों के बाद बन रही है। जी हाँ, शनि ग्रह कई महीनों के बाद खुद अपनी ही राशि में मार्गी होने वाले हैं। 11 अक्टूबर को राशि वालों, आप लोग केद में से आजाद होने वाले हो। 11 अक्टूबर 2021 को शनि की कुर दृष्टि समाप्त होने वाली है। साथ में आज आपको ऐसी जानकारी से भी अवगत कराने वाला हूँ जिसे जानकर आप अति प्रसन्न रहेंगे। हम जानते हैं पिछले एक साल से शनि की वजह से राशि वाले जातकों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। हम मानते हैं कि शनि की वजह से इंसान परेशान रहता है, लेकिन वह किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते। दोस्तों, पिछले काफी समय से जो परेशानियां चल रही थी, जैसे कि कार्यों में बाधा, वैवाहिक जीवन में तकरार, मेहनत का फल न मिलना, नौकरी में तनाव, नए कार्यों में नुकसान, प्रेम जीवन में बाधा, धन प्राप्त होने के बावजूद भी अधिक खर्च होना, इन सारी दिक्कतों के साथ आप जूझ रहे थे, तो बस थोड़ा वक्त आपको चाहिए, फिर आप आजाद पंछी की तरह जीवन पथ में उड़ने वाले हैं। जी हाँ, 11 अक्टूबर 2021 शनि ग्रह 141 दिन तक मकर राशि में बकरी चाल चलने के बाद अब सीधी चाल चलना शुरू कर देंगे, जिसके चलते शनि की अशुभ दृष्टि आप पर से हट जाएगी। आपको बहुत सी खुशखबरी मिलने वाली है, लेकिन इसमें से मुख्य खुशखबरी के साथ दो सावधानियों से अवगत करा देता हूँ। साथ में राशि वालों, आपके जीवन को लेकर बड़ी भविष्यवाणी भी करने वाला हूँ जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आइए जानते हैं आने वाले कल के बारे में। कन्या राशि वालों, 11 अक्टूबर को जैसे ही शनि मार्गी चाल शुरू करेंगे, उसी समय से आपके जीवन की कीर्ति बदलने वाली है। जी हाँ, आप जिस दिनों का इंतजार कर रहे थे वह दिन शुरू हो जाएंगे, जहाँ रोजगार की तलाश करने वाले जातकों को कार्य प्राप्त होगा। तो आजीविका के संसाधनों में वृद्धि होगी। जो लंबे समय से जिस कार्य से जुड़े हुए है, वहाँ पर बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। तो आपके अनुभव का लाभ प्राप्त होगा। विशेष रूप से व्यापारी जो कोविड की वजह से बर्बाद हो चुके थे, पायमाल हो चुके थे, गंगाल हो चुके थे, यानी कि कहने के तो व्यवसाय व्यापार था किंतु हाथ पर आमदनी नहीं थी, माल फल फंस चुका था, पैसे रुक गए थे, तो यकीन मानिए शनि इस वक्त आपकी सबसे बड़ी मनोकामना पूर्ण करेगा, क्योंकि शनि गुरु के साथ एक प्रकार का वैभव योग का निर्माण कर रहे है, जिसके चलते इस समय आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, तो कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। शनि के मार्गी होने से लाभ आपको अवश्य मिलेगा। विशेष रूप से जो पुरानी बीमारी से जूझ रहे थे, उसकी भी ठीक होने की पूरी संभावना है। तो वह जातक जो योग्यता एवं बिक्री होने के बावजूद भी अभी भी दर दर की ठोकरें खा रहे है, कार्य करने का अवसर नहीं मिल रहा है, कहने के तो आवेदन कई जगहों पर दिए है किंतु कहीं से भी उचित जवाब नहीं आ रहा है। तो मान के चलिए शनि इस वक्त आपको नौकरी प्रदान करेगा, कार्य प्रदान करेगा, तो भाग्य के बदौलत इस वक्त आपको अच्छी संस्था और बड़ी कंपनियों में कार्य करने का मौका मिलेगा। जहां एक और आपके सभी अटके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे, तो उन जातकों को भी निवेश का पूरा लाभ मिलेगा जिन्होंने पिछले समय में जमीन मकान शेयर बाजार एवं अन्य जगह पर पैसे रोक दिए है, भागीदारी के साथ व्यवसाय चला रहे है, उद्यम चला रहे है, तो आप मुनाफा प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए। इस दौरान आप वाहन प्रॉपर्टी खरीदने का भी योग बनेगा। जहाँ पैसा होने के बावजूद भी खुद का घर नहीं खरीद सकते थे, उनका खुद के घर का सपना पूरा होगा। इस दौरान सामाजिक स्तर पर भी आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, कुटुंब परिवार का सहयोग मिलेगा, तो पारिवारिक संबंधी कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। यह खुशखबरी भाई बहन के कार्य क्षेत्र में उन्नति होने से मिले या अधिकार मिलने से लाभ में आप रहेंगे, तो आपका थोड़ा बोझ भी हल्का हो सकता है। गुरु के पंचम भवन में उपस्थिति होने के कारण आपको लिख कर दे सकता हूँ कि आपको अपनी कड़ी मेहनत के दम पर अपने करियर में नई बुलंदियों को हासिल करने का मौका मिलेगा। खासकर जो सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, प्राइवेट क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पद पर स्थित होकर सेवा कर रहे हैं, उन्हें सैलरी के वृद्धि के रूप में बड़ा लाभ मिलेगा, तो लाभ भी हो सकता है। जी हाँ, इस वक्त आप चाहे या ना चाहे आपको पद जरूर मिलेगा। संभावना यहाँ तक बन रही है कि कंपनी की ओर से आपको दूसरी जगह शिफ्ट भी किया जा सकता है, यहाँ तक विदेश में भी जा सकते हैं। कन्या राशि वालों, आप लोग पिछले महीने में मेरे वीडियो में देख लीजिए, मैंने चक्रवात को लेकर जो बड़ी भविष्यवाणी की थी वह 100% सही हुई है, और मैं आज भी कह रहा हूँ यदि कुंडली में शनि शुभ स्थिति में है तो आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक सकेगा। आने वाले 8 महीने में आपको गुप्त जगह से भी धन प्राप्त होगा, तो आकस्मिक धन लाभ का भी योग बन रहा है। किसी बड़े व्यक्ति का सहयोग प्राप्त होगा, आप नया स्टार्टअप करने में भी कामयाब रहेंगे। जी हाँ, जो अपनी जिंदगी को शान से जीना चाहते हैं, उन्हें एक अवसर अवश्य मिलेगा। तो वही शनि इस वक्त आपको पैतृक संपत्ति से अधिकार भी दिलाएगा।
कन्या राशि के जो जातक सच्चे प्रेम की तलाश में है, वह लोग प्रेम के लिहाज से बेहतर विकल्प ढूंढने के लिए बाहर भटकेंगे और उनकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। इस वक्त में रिश्ते में नए क्षेत्रों में विकास की संभावनाएं तलाश रहे उन्हें भी लाभ होगा। इस वक्त आपके नए पुराने संबंध बनेंगे तो प्रेम जीवन का भी लुत्फ उठाने में कामयाब रहेंगे। यहाँ तक शनि इस वक्त आपके प्रेम विवाह भी करवा सकता है, तो शनि का मार्गी होना उन छात्रों को सफलता प्रदान करेगा जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी या फिर उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है। यहाँ जो अभी उत्तीर्ण हुए हैं वह निश्चित तौर पर किसी कंपनी से जुड़ेंगे। यहाँ तक आप एक बात लिख कर ले सकते हैं कि इस समय में बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी से भी आप कार्य करेंगे जो बदलने का अवसर प्राप्त होगा, तो आप जीवन में छोटी मोटी समस्याओं से भी बाहर निकलेंगे। दोस्तों, कुंडली में कई ऐसे दुर्योग है जो जातक की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते, इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। जय गुरुदत्त।